खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल में महिला डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मानवी साहू, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाली हैं, वह अपना अस्पताल राजधानी भोपाल में खोलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भोपाल में एक जमीन खरीदी थी। बिल्डर ने उस जमीन को फर्जी तरीके से कॉलोनी काटकर और लोगों को बेच दी है। डॉक्टर ने एसडीएम नगर निगम में शिकायत की, मगर डॉक्टर की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्डर द्वारा आज भी उस जगह पर निर्माण हो रहा है, जो कि अवैध है। डॉक्टर द्वारा बिलखिरिया थाने में भी इसकी शिकायत की गई है, साथ ही एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया है। एसडीएम ने संज्ञान में लेते हुए कॉलोनी पेज पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए इस कॉलोनी पर निर्माण कार्य चालू है। नगर निगम एवं विद्युत मंडल ने परमिशन भी दी है। जो डॉक्टर मानवी साहू पुत्री द्वारका प्रसाद साहू, जो कि मूलतः टीकमगढ़ की रहने वाली है और वहां पर अस्पताल संचालित करती हैं। डॉक्टर मानवी साहू के फर्जी हस्ताक्षर करके रामदास साहू उर्फ राहुल, अनुज साहू, अंतेश आदि ने फर्जी रजिस्ट्री करा ली है। आरडी साहू पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरडी साहू ने डॉक्टर मानवी साहू के अलावा लगभग 500 लोगों के साथ भी जालसाजी और धोखाधड़ी की है। बिल्डर द्वारा डॉक्टर मानवी साहू को जान से मारने की धमकी दे रहा है और झूठे प्रकरण में फंसाने की साजिश कई बार साजिश कर चुका है, क्योंकि डॉक्टर मानवी साहू एक क्लिनिक चलाती हैं। इस क्लिनिक को बंद कराने की भी कई बार धमकी दे चुका है। ठीक, नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम डॉक्टर मानवी साहू है। जी बताइए, क्या मामला है, कैसे धोखाधड़ी आपके साथ, किसने धोखाधड़ी करी है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मानवी साहू है। मैं टीकमगढ़ में हॉस्पिटल चलाती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज भोपाल शिफ्ट होना चाह रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कुछ जमीन खरीदी। परंतु कुछ बिल्डर हैं, रामदास साहू, अनुज साहू, अंतेश शर्मा के द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। मैंने जो ज़मीन खरीदी वो 20 एकड़ की ज़मीन कोकता बाईपास पर है और पटवारी हलका नंबर 20 हुजूर में आती है। वहाँ पर जो ज़मीन है उसका नक्स अक्स पर बटान नहीं है। वैसे 36/1, 36/2, 36/3 का बटान है, लेकिन जो अक्स पे बटान ना होने के कारण उनके पास जो 5 एकड़ ज़मीन है वो जो 36/2 में है। ये रजिस्ट्री 36/2 से करते हैं और पजेशन 36/1 और 3 में दे रहे हैं। इनके पास ज़मीन मात्र 5 एकड़ है, लेकिन इनने जो लिस्ट दी है, ये मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, उसमें कम से कम 450 लोगों को पजेशन के लिए बात कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है और 200 लोगों की रजिस्ट्री कर रखी है। नॉर्मली जो 1 एकड़ ज़मीन होती है उसमें 25,000 से 27,000 स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग एरिया होता है। इन्होंने वो कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है। पूरी की पूरी 44,000 स्क्वायर फीट में 44,000 स्क्वायर फीट की ही रजिस्ट्री पूरी की पूरी कर दी है। ऑपोजिशन 1 और 3 में दिए जा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, उन 450 लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, जो पैसा गाड़ी मतलब अपने दिन भर की कमाई उन लोगों को दे रहे हैं। रामदास साहू के द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है, देर सवेरे जेल जाएगा, लेकिन उन 450 लोगों को जिनके पैसे लगे हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। वो कहीं कहीं शिकायत करी? मैंने 25 शिकायतें हैं, पूरा बंडल बना हुआ है। मैं जनवरी से जब मुझे ज्ञात हुआ तब से लेके आज तक मैं मात्र शिकायत ही कर रही हूँ। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और ये कम से कम 60-70 करोड़ का मैटर है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो रही है, कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। वो 450 लोग हैं क्या आपके साथ? मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कब्जा वो मेरी ज़मीन पे दिलाता जा रहा है। और उन लोगों को अभी ये समझ ही नहीं है कि भाई वो सोच रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है, हमें ज़मीन मिल रही है, हमें क्या लेना देना, चूँकि उसमें बटान नहीं है। जिस दिन बटान हो जाएगा, मैंने नवंबर से बटान का केस लगा रखा है, बटान देर सवेर होगा ही, क्योंकि बटान मैंडेटरी है। मेरी 11.25 एकड़ ज़मीन है भाई। बटान का प्रोसीजर है जिसमें आप 1,800-1,500 स्क्वायर फीट के प्लॉट का बटान नहीं होता, लेकिन 11.25 एकड़ ज़मीन का बटान होता है। बटान होगा तो फिर इन जिनको ज़मीन खरीदी गई वो मेरे सामने खड़े होंगे कि भाई इनका कब्जा कर रहे हैं, वो कहेंगे मैं तो रजिस्ट्री 36/2 से हुई है। और उनमें से कुछ समझदार लोग ये जान रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया है, फौजरी हो गई है, लेकिन वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि उन्हें पता है रामदास जेल चला जाएगा, इनका पैसा इन्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने बिल्डर को पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी ज़मीन खरीदी हुई है भाई। ज़मीन के साथ मेरे साथ इनके साथ एक ही ज़मीन है जो 3 एकड़ की है, जो फर्म के नाम पर है। उसमें मैंने जो उनको है मतलब जो मालिक है, ज़मीन का मालिक था, उनको 1,40,00,000 रुपए दे के दोनों ने जॉइंट वेंचर में 3 एकड़ ज़मीन खरीदी है और 8 एकड़ 16 डेसिमल ज़मीन मेरी खुद के नाम पर है।
और मेरी इंडिविजुअल ज़मीन है, इसमें फर्म का कोई या पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। और हमारे द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है 11.25 एकड़, उसमें आज तक मेरे द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है। वहाँ जाके इन्होंने 23,000 स्क्वायर फीट का मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके, मेरे फर्जी दस्तखत करके भी रजिस्ट्री की है, जिसकी मैंने कंप्लेन दे रखी है, जिस पे जांच चल रही है। जांच में हमें बोला गया मैडम ये सिविल का मैटर है। भाई मेरे फर्जी दस्तखत करके अगर कोई मेरी रजिस्ट्री कराता है तो वो सिविल का मैटर कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ के बाहर है। फिर और भी मेरी ये अवैध कॉलोनी का मैटर है, मैंने हर डायरेक्शन में मैंने ट्राई किया। अवैध कॉलोनी के लिए भी मैंने SDM को दिया, जो मंत्री हैं उनको भी आवेदन दिया, उन सब ने ये जांच की कि ये अवैध कॉलोनी है। लेकिन हमारे शिवराज माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आज भी नहीं चल रहा है। गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया, अपने CM सर को ज्ञापन दिया, मैंने ऊर्जा मंत्री को, क्योंकि वहाँ अवैध बिजली का कनेक्शन चल रहा है, अवैध कॉलोनी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, मैंने उस लेवल तक भी गई हूँ। तो वहाँ पर कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी ज़मीन पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। भाई मेरी ज़मीन पे मैं कंप्लेनेंट हूँ, आप आके बुलडोजर चलाइए ना, मैं तो कह रही हूँ जिस दिन बुलडोजर वहाँ पे चल जाएगा ना 400 कंप्लेनेंट मिलेंगे, क्योंकि भाई उनको तो गलत पोजीशन दिया जा रहा है। भोपाल से खबर समीक्षक के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।